हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ बिल्ट्रॉन जो कि एग्ज़ाम लेने वाली है 2024 के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, उसमें कंप्यूटर से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछती हैं जो कि टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन आपका फंडामेंटल से पूछे जाएंगे। तो मैं इस वीडियो के अंदर टोटल 50 क्वेश्चन फंडामेंटल से संबंधित MCQ कराऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि इस वीडियो के अंदर ज़्यादातर मैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस को लेकर के चलूंगा। इस तरह से मैं और भी वीडियो लेकर के आऊंगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से संबंधित। आप वीडियो देखते रहिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली वीडियो आप तक पहुँचते रहेगा और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। चलते हैं फिलहाल इस वीडियो को, हम लोग ये जान लेते हैं बेल्ट्रॉन से संबंधित टोटल 50 MCQ फंडामेंटल का क्वेश्चन। देखिए, सबसे फर्स्ट कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, मीन्स हार्डवेयर मीन्स होता है कि जिसको फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंटर, स्कैनर, ब्राउजर, मोनिटर। तो यहाँ पर ब्राउजर जो है से आपका नहीं है क्या हार्डवेयर। नेक्स्ट बोल रहा है ब्राउजर मीन्स होता है वही गूगल क्रोम वगैरह। इसमें से कौन सा प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी सबसे अधिक उन्नत है। प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि प्रिंटिंग करने का जो क्वालिटी होता है सबसे अधिक उन्नत कौन सा है। तो इसका यहाँ पर प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग जो होता है बहुत ही बेटर होता है। इसका राइट आंसर होगा 3D प्रिंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बोल रहा है कि आजकल ई बुक रीडर बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, ई बुक रीडर बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि ये प्रयोग में आसान, हल्का, ठीक है, और क्या बोल रहा है, और आँखों के लिए सुविधाजनक है। उनमें प्रयोग की गई विशेष इंक स्याही कौन सी है। ठीक है, ई बुक रीडर में जो यूज किया जाता है इंक स्याही, उसमें कौन सा होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ई स्याही। ई स्याही का मतलब होता है इंटरनेट से संबंधित जो होता है ना, उसी को कहते हैं ई स्याही। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर उपकरण नहीं है। तो हार्डवेयर उपकरण क्या नहीं है, तो हार्डवेयर उपकरण इसमें से एक्सेल नहीं होता है, यह एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडिड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है। तो डिजिटाइजर, डिजिटाइजर यहाँ पर जो है ना डिजिटाइजर, वो आपका क्या होता है, हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडिड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को यह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मीन्स रंगीन मॉनिटर में होता है ना रिफ्रेश बफर को यह भी कहते हैं, मीन्स इसमें से किसे कहते हैं। तो पिक्स मैप बोला जाता है रंगीन मॉनिटर में होता है से। आगे बोल रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है। ठीक है, तो OCR, ठीक है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट बोल रहा है कि LCD पैनल, ठीक है, या फ्लैट पैनल में के प्रदर्शित में खाली स्थान गुण का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, देखिए, हल्का। ठीक है, क्या होता है, हल्का, मीन्स LCD जो होता है ना वो क्या होता है, हल्का गुण का प्रयोग करता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि टच पैड पर कार्य करते समय निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। टच पैड पर काम करने के लिए अंगुली का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक ऑप्टिकल माउस में प्रकाश उत्सर्जन करने वाला यह एक यंत्र है जिसे खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक ऑप्टिकल माउस में प्रकाश जो उत्सर्जित करता है उस यंत्र को क्या कहा जाता है, तो उस यंत्र को कहा जाता है डायोड। क्या बोला जाता है, डायोड, ये राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है क्या कि ठोस स्थित मेमोरी स्टिक का प्रयोग हम दैनिक जीवन में कर सकते हैं, यह विभिन्न क्षमता वाले आकार में उपलब्ध रहती है, इस यंत्र को कैसे पहचानेंगे। तो पेन ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव। तो यहाँ जो होता है ना, जो हार्ड मॉनिटर होता है ठोस स्थित रहता है, जो दैनिक जीवन में हम लोग यूज करते रहते हैं, ठीक है, जो विभिन्न क्षमता वाले आकार में उपलब्ध रहते हैं, इसे हम लोग पेन ड्राइव कहते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को सीरियल प्रिंटर के रूप में जाना जाता है, यह एक बार में खाली स्थान प्रिंट करता है, एक शब्द करता है या एक पेज करता है या अक्षर करता है। तो अक्षर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है,
तो डार्क मैट्रिक्स जो होता है उसे इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ठीक है, ये जैसे देखिएगा लिखा हुआ, कक्षा 9th क्लास का छात्र जो है माही अपने पिता के साथ पहली बार बैंक जाती है। वह देखती है कि उसके पिता एक छोटी पुस्तिका दी गई जिसके पिता चेक बुक कहते हैं। वह इसे खोलती है और पाती है कि इस पर पहले से कुछ मुद्रित जानकारी है, जिसमें से कुछ जानकारी प्रत्येक पृष्ठ पर समान है, परंतु एक अंक क्रमानुसार लिखा गया है। वह इसे बदलने का प्रयास करती है पर असफल रहती है। वह इसे बदलने में असमर्थ क्यों है? चेक की एक विशिष्ट विशेषता को पहचाने। वह इसलिए नहीं बदल पाती है क्योंकि उसे MIRC के द्वारा बनाया गया है। MIRC के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं MIRC कोड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि यहाँ माउस से खाली स्थान बटन का प्रयोग किसी चुने हुए ग्राफिक घटक से संबंधित विभिन्न आदेश जो एक सूची पत्र के रूप में होते हैं जो प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, क्या करते हैं, कौन सा बटन के द्वारा हम लोग करते हैं? तो यहाँ पर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है दायां बटन के द्वारा। ठीक है, दायां बटन लिखा हुआ है कि पेन ड्राइव एक बेहद लोकप्रिय यंत्र है जिसे खाली स्थान में प्रयोग किया जा सकता है। USB पोर्ट में इसको प्रयोग करते हैं पेन ड्राइव को। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि स्ट्रीमिंग एस्ट्रॉइड ऑटो वीडियो कंप्रेस्ड होकर कहाँ स्टोर होता है, कंप्रेस्ड होकर के कहाँ पर स्टोर होता है? तो इसका सर्वर में होता है। ठीक है, कहाँ पर? सर्वर में वीडियो कंप्रेस होकर के होता है, जो स्ट्रीमिंग होता है ना, जो हम लोग वीडियो स्ट्रीम नहीं करते हैं, वो कंप्रेस होकर के सर्वर में जा करके होता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि यहाँ पर JPEG फाइल फॉर्मेट कितने बिट कलर फॉर्मेट का उपयोग होता है? तो 24 बिट का होता है। ठीक है, उसमें 24 बिट कलर होता है उसका फॉर्मेट। नेक्स्ट बोल रहा है क्या, इसको अगर डिटेल पढ़ना होता है, देखिए डिटेल पढ़ सकते हैं, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है साफ नीचे कि ज्वाइन फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए बोला जा रहा है कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो डायगोनली मापा जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि किससे इंकजेट प्रिंटर में प्रयोग होता है, किससे इंकजेट प्रिंटर में प्रयोग होता है? तो इंकजेट प्रिंटर में जो नोजल के द्वारा इंकजेट प्रिंटर का प्रयोग होता है, नोजल के द्वारा इंक को ये किया जाता है, फैलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा जा रहा है कि प्रिंटर की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होता है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि टाइपराइटर की तकनीकी के समान होता है। इसमें से कौन से उपकरण अप्रत्यक्ष प्रत्यक्षतः रीड इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट में प्रयुक्त तो हो सकता है? तो राइट आंसर इसका होगा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR, जो कि रीड इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट बोल रहा है क्या, इसका फुल फॉर्म भी देखिए लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं बताया अभी कि क्या होता है। नेक्स्ट लिखा गया कि स्क्रॉल लॉक की क्या है? तो स्क्रॉल लॉक टूगल की होता है। क्या? स्क्रॉल लॉक टूगल की होता है, जो पेज को अप एंड डाउन किया जाता है। नेक्स्ट मीन्स अगर आप एक्सेल में जाइएगा ना, तो डायरेक्शन किसी इधर उधर कर सकते हैं कर्सर को, लेकिन स्क्रॉल लॉक की जला दीजिएगा ना, तो नहीं इधर उधर होगा, ध्यान दीजिए आगे। नेक्स्ट बोला जा रहा है क्या कि ट्रैक तथा सेक्टर संबंध है हार्ड डिस्क से, माउस से, प्रिंटर से, उपयुक्त सभी से। तो हार्ड डिस्क से ट्रैक्स संबंध होता है, हार्ड डिस्क में ट्रैक्स बना रहता है, प्लॉटर बना रहता है, प्लॉटर को ही बोला जाता है। किस प्रकार की ग्राफिक्स में पिक्चर साइज बढ़ाने पर पिक्चर क्वालिटी घटती है? किस टाइप के ग्राफिक, प्रिंट ग्राफिक, वेक्टर ग्राफिक, क्या बोल रहा है? क्वालिटी घटती नहीं है, समझिएगा, पिक्चर घटती नहीं है, तो प्रिंट ग्राफिक घटती है, वेक्टर ग्राफिक नहीं घटती है। देखिए इसका आंसर क्या है, वेक्टर ग्राफिक। ठीक है, आगे देखिएगा, स्पीकर और माइक्रोफोन जैसे ऑडियो उपकरण को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? ऑडियो जैक। ठीक है, ऑडियो जैक में ही ना माइक्रोफोन हम लोग ये उपयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि बाहरी हार्ड ड्राइव और अन्य बाह्य उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आम तौर पर किस प्रकार के पोर्ट का प्रयोग किया जाता है?
तो यहाँ पर जो जो भी बाहरी हार्डवेयर उपयोग करते हैं कंप्यूटर में जोड़ते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, उसे USB यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो ये बहुत आसान है, प्रिंटर। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पर कि इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या है, तो उपयोगकर्ता से डाटा और निर्देश प्राप्त करना होता है, यही होता है इनपुट डिवाइस का काम। अगर इन अब माउस ना रहे तो हम लोग डाटा अंदर कैसे भेजेंगे, कीबोर्ड ना रहे तो डाटा अंदर कैसे भेजेंगे। आगे बोल रहा है कि हाथ से लिखे गए लेख तथा छवि को कैप्चर करने और डिजिटल पर रूप में परिवर्तित करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग करेंगे, तो स्कैनर का, बहुत आसान है। नेक्स्ट बोल रहा है कि किस प्रकार का इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर स्क्रीन पर ग्राफिकली यूजर इंटरफेस GUI कहा गया इसको, को अंकित करने और देखिए इंट्रैक्ट करने की अनुमति देता है। तो माउस जो होता है से ग्राफिक मीन्स होता है GUI को अंकित करने के लिए यूज करता है, जैसे कि कोई भी ग्राफिक से संबंधित काम होता है, जैसे पिक्चर एडिटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, उसमें ज़्यादातर काम माउस से लिया जाता है, तो माउस बहुत ही ज़रूरी एक पार्ट्स हो जाता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइसेस का उचित समूह कौन सा है, तो देखिए राइट आंसर होगा इसका कि जो कि सभी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर अंदर, MIRC, टच स्क्रीन, ये सारा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि PDI क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए DPI तो डॉट पर इंच होता है। ठीक है, डॉट पर इंच होता है, जो इमेज का पिक्सल होता है, कोई भी डिस्प्ले का पिक्चर होता है, पिक्सल में ये होता है, नापा जाता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि कंप्यूटर डिवाइस मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए प्रयोग में आता है, तो प्रिंटर। कंप्यूटर का हार्ड कॉपी कौन पर देता है, कंप्यूटर से बाहर जो हार्ड कॉपी आता है किसके द्वारा निकाला जाता है, तो प्रिंटर से। निम्नलिखित में से किस उपकरण में एक बेलनाकार रम होता है जिसे एक फोटो रिसेप्टर कहते हैं, लेजर प्रिंटर में जो होता है ना, से बेलना का आकार का एक ड्रम लगा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के कार्य कर सकते हैं, तो संचार डिवाइस। कौन सा डिवाइस, तो संचार डिवाइस, ये अंदर क्यों भी ले सकता है और बाहर क्यों भी दे सकता है। इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट, आवाज़ वगैरह नहीं करता है, बहुत आराम से प्रिंट करता है। नेक्स्ट यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है, तो देखिए इतना कॉलम प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर ये नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि प्राथमिक तौर पर एकल बस संचार कहाँ पाई जाती है, तो मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए डिजिटाइजर एवं आउटपुट युक्त ए आपका क्या है, से ए आपका राइट आंसर होगा। पेज फॉल्ट तब होता है जब पेज मेमोरी में मौजूद नहीं हो। नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता खाली स्थान में तथा प्रिंटर की गति में खाली स्थान में मापा जाता है, तो डॉट पर इंच DPI। ठीक है, प्रिंटर की गुणवत्ता जो होता है ना, और जो उसका पेजेस पर इंच माने पर मिनट जो आती है पेज, उसको नापा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा डॉट पर इंच DPI और PPM। बोला जा रहा है कि DPI यहाँ पर नहीं, स्तंभ, स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 का मिलान करें, तो अब यहाँ मिलान करने के ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए इस तरह से मिलान कर सकते हैं, यहाँ पर अपने से खुद से देख सकते हैं। ठीक है, खुद से जाकर के देखिएगा, यहाँ पर इस तरह से मिलान किया हुआ है, खुद से ध्यान ध्यान दीजिएगा। अगर PDF चाहिए ना, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, LVS कंप्यूटर सेंटर कुर्था, ध्यान दीजिएगा, जो कि 500 से 600 600 के लगभग सब्सक्राइबर होगा, देखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, लिखा हुआ है कि एक खाली स्थान कैरेक्टर सूचना को बोले गए वाक्य में परिवर्तित कर सकता है, तो स्पीच सिंथेसाइजर जो होते हैं, सो टेक्स्ट को बोला गया वाक्य में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट युक्तियों की एक श्रेणी नहीं है,
तो वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम जो होती है ऐसी इनपुट नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रमशः लाइन प्रिंटर का तथा पेज प्रिंटर है, तो ड्रम और लेज़र। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों के प्रबंधन के लिए उद्योग द्वारा निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो MIRC का। नेक्स्ट बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो आमतौर पर जिसका प्रयोग पे रोल तथा अकाउंटिंग जैसे अनुप्रयोग में छपाई के लिए किया जाता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर। सॉफ्ट कॉपी में आपको आउटपुट दिखाई देता है जिसको आप देख सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाथों से पकड़ने वाला एक छोटा डिवाइस है जिसका ऊपरी हिस्से में दो या तीन बटन होते हैं, तो माउस को ही हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं बताया ये 50 क्वेश्चन उस समझ में आया होगा। अगर समझ में दिक्कत है समझने में तो कमेंट्स करिए, मैं कमेंट्स में ज़रूर आपका क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स भी करिए कि आपको एक कैसा वीडियो लगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो धन्यवाद, फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।